सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्सही परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दोस्तों, यूं तो दुनिया नाना प्रकार के व्यक्तियों से भरी हुई है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो मिसाल बन जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो काफिर कहे जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही शब्द का विश्लेषण करेंगे जिसका इतिहास विभिन्न धर्मों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये शब्द है काफिर। काफिर शब्द के विभिन्न अर्थ सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक और सही अर्थ क्या है यह जानना मुश्किल है। तो अब प्रश्न उठता है कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। क्या यह शब्द केवल धार्मिक पहचान तक सीमित है या इसका कोई और अर्थ भी है? तो आइए अब हम काफिर शब्द की उत्पत्ति, इसके विभिन्न संदर्भों में उपयोग और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गहन चर्चा करेंगे। साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह शब्द किसके लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें विभिन्न धर्मों में इसके विविध उपयोग को समझना आवश्यक है। तो आइए पहले जानते हैं कि विभिन्न धर्मों में काफिर शब्द के संदर्भ में क्या अवधारणाएं प्रचलित हैं। दोस्तों, इस शब्द का उपयोग ज्यादातर मुस्लिम समाज में किया जाता है, और अंत में इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तव में काफिर किसे कहा जाना चाहिए। सवाल नंबर 1, काफिर शब्द का अर्थ और उसका इतिहास क्या है? साथ ही विभिन्न धर्मों के अनुसार काफिर किसे कहा जाता है? अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेड़, जैसे हिंदू भाषा में ढेड़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड़, चाहे किसी जाति का हो, डाके मारे, बहु बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे, हैं, और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का है वो ढेड़ है, उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। तो हिंदू मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताते हैं। वो किस लिए काफिर बताते हैं? कि ये एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। और हिंदू मुसलमानों को क्यों हे समझते थे? कि ये मांस खाते हैं, इनका आंट नहीं, गाय मिल जाओ, बकरा, बोक, चाहे ऊंट, ये मांस खाते हैं, इसलिए एक दूसरे को, ये मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते थे और हिंदू मुसलमानों को ढेड़ कहते थे। परमात्मा बताते हैं कि भाई मैं बताता हूं काफिर कौन है, ढेड़ किसे कहते हैं। कबीर परमात्मा बताया करते थे कि मैं बताता हूं काफिर किसे कहते हैं।
का फिर बोध सुनो रे भाई, दोहु दीन बिच राम खुदाई। का फिर जो माता दे गाली, वे का फिर जो खेले साली। कहते मैं हम बताते हैं काफिर किसे कहते हैं, तुम देख दूसरे को वैसे ही जो है ना व्यंग कसते हो। काफिर ये लोग होते हैं, वो काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेले साली। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सत्यवादी जन नाम लोलावे। काफिर पिता बचन उल्टा ही, इतने काफिर दोजक जाही। वह काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। वह काफिर जो रण हत्या रखे, वह काफिर परदारा ताके। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। काफिर काफिर छाड़े हूं, सतवादी से ने गरीब दास जुग जुग पड़े, इस काफिर के मुखे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जारे। वह काफिर जो नार हिताही, वह काफिर जो तोड़े बाही। वह काफिर जो अंतर काती ही, वह काफिर जो देवल जाती। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीश हलावे। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो बकरी खाही, वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे आली। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। वह काफिर अनभावत खाई, काफिर गण का सोंगल बाही। काफिर अर्ध अभ्यम से संगा, काफिर सोजो फिरे बिनंगा। काफिर सोजो मही तनावे, जाका दूध रुदिर घर लियावे। काफिर जो बल बद्दर वेखा, जाके सिर पर बाल न एका। काफिर सोजो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर गुदा है तें सलाई, काफिर हुका पीवे अन्याई। काफिर भांग बसोड़ी भरही, काफिर हुके कूसर करही। काफिर गट में धुमा देही, काफिर नास नाक में लेही। काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटे मुख में थुन्या। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। काफिर सोजो अंब चोरम, मजलिस बैठे मुख निपोरम। काफिर सोजो कानी देही, काफिर जो कन्या धन लेही। काफिर सो साड़ी से साखा, काफिर वचन पलटे माँ का। काफिर सोजो विद्या चुरावे, काफिर भैरो भूत पुजावे। पूजे देवी धाम को शीश हलावे, जो गरीब दास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर सोजो चोरी यारम। काफिर सोजो बाग उपारम, काफिर सो बिनना सतनाम अदारम। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध साने। वह काफिर जो अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो मिर्गा मारे, काफिर उर्द कर से पाड़े। वह काफिर जो मिर्गा मारे, काफिर उदर कर से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे, काफिर कुए की मंडावे। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। गरीब काफिर कीर्ति ना लख, धर्म दया व्यवहार। गरीब दास कैसे बचे हैं जाना जम दरबार। अब इसमें कितने कितना गहरा ज्ञान दिया है, क्या बताते हैं। काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेलने साड़ी। वो काफिर जो माँ को गाली देता है, वो दुष्ट आत्मा, वो ढेढ़ है। और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, वो काफिर है जो धर्म दान नहीं करते। और काफिर साधु संत से अड़ही, वो काफिर है जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सत्यवादी जन नाम लोलावे। वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे।
ना कोई ना कोई वेद में लिखा, ना गीता जी में लिखा उनके बारे में। और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते हैं, कहते वो काफिर है। काफिर काफिर पिता वचन उल्टा ही इतने काफिर दो जग जाए, जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि जैसे पिताजी सत्संग मानता नाटे भक्ति करण से मना करे, उसके लिए नहीं है वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ जैसे जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है। और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे, क्योंकि वो मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खरपतवार आते हैं, इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के वचन उलट दिए थे क्योंकि वो नालायक था, काफिर था, वो भगवान को छोड़कर कहता मेरी पूजा करो, ये साधना मत करो। प्रहलाद ने कहा था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा, आपके नाम से नहीं। तो इससे बात पर पिता पुत्र का झगड़ा हो गया। उनका फिर पिता वचन उल्टा ही इतने का फिर दोजक जाही, दोजक माने नरक में। अब जो भगत होगा खुद पिताजी तो बच्चे को मना नहीं करेगा, वो कहे बल्कि बच्चे को कहेगा चल बेटा सत्संग में चलते हैं और नाम ले पुत्र, परमात्मा का भजन किया कर। तो उस पिता का जो वचन उलट करता है वो काफिर है, पिता की आज्ञा नहीं मानता है। और वैसे भी पिताजी अपने पुत्र पुत्री को बहुत नेक सलाह दिया करते हैं, चाहे उन्होंने नाम ना ले रखा, चाहे सारे परिवार ने नाम भी नहीं ले रखा है, तो भी पिता अपने पुत्र पुत्री के हित में ही बातें करता है। तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करने से आपका वैसे दैनिक जीवन तब भी सफल हो सुखी होगा। और जिन्होंने भक्ति कर ले रखी है, साधना करते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में ही लाने की चेष्टा करते हैं। और जिनको नाम भी ले रखा है, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं भाई बलका नान जो मैं चला जाऊं, तो वो भी भक्ति के निकट नहीं है, बेसिक नाम ले रखे। क्योंकि जब हम रोटी छक्का खा रहे हैं और अपने बच्चों को भूखा रखे तो हम किसे भगत किसे इंसान है। तो हम हर तरह से हर पहलू से सोचना पड़ेगा, बच्चे पहले खावें हम बाद में खावें। एक नियम हो सा अपना, बच्चों को पहले खिलाओं ले बेटा खाओ छक्को और फिर बाद में माता पिता खाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है, बच्चों को आगे रखे पाछे नहीं। तो इस जीवन का है क्या, कितना ही कुछ कर ले चाहे राष्ट्रपति बन ले, कल न मृत्यु हो जाए फिर भक्ति ना बनी तो वहीं 84 लाख योनियों में चक्कर काटते फिरेंगे। तो इस प्रकार हमने इन बातों को याद रखना है। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले, ये है ढेर। कहते ज्ञान तो है नहीं, को बात को शुरुआत हो गया, कोई जकर चला तो बहुत गुणे बोलने, डटे नहीं डटे पता नहीं क्यों 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 बकवाद करें। और काफिर कहो घाट जो तोले, जो सौदा करते समय कम तोलता है वो ढेर आदमी है, वो काफिर है। वह काफिर ऋण हत्या रखे, वह काफिर परदारा ताके, वह काफिर जो ऋण हत्या रखे, यानी जैसे आपने किसी का उधार ले लिया और वापस ना दिया, वो भी काफिर है। और वो काफिर जो परदारा ताके, जो दूसरे की पत्नी के अंदर बुरी नीयत रखते हैं, वो भी काफिर है। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े, वो भी काफिर जो किसी ढेर जब बात करे उसे ढेर आदमी ढेर बिन, ये काफिर बता रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं है। तो वो भी काफिर है जो भक्त अपने संत भक्तों को छोड़कर किसी निकम्मे आदमी थे को चोरी ठग द्वारी बकवाद करनिया तो मेल करे, तो वो भी काफिर है। अब क्या कहते हैं, काफिर काफिर छाड़े हूं सतवादी से ने, परमात्मा की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी कि काफिरों से मेरा कोई लिंक नहीं रहेगा, केवल जो सच्चे भक्त हैं उनसे ही मेरा प्रेम है। और कहते हैं गरीबदास जुग जुग पड़े काफिर के मुखे, क्या करें तेरे मुंह में राख मुख खे माने उसकी ब्रान मट्टी होगी युगन युगन।
वह काफिर जो कन्या मारे हैं, वह काफिर जो बन खड़ जा रहे हैं। है। कहते वो नीच आत्मा, वो काफिर, वो ढेड़ है जो बेटी मार देते हैं। जैसे पीछे सी बिघन हो गया था, शुरू गर्भ में मारनी शुरू कर दी थी बेटियों को, और पहले हम भी देखा करते थे जिसके दो तीन लड़की हो जाती थी, जो निकम्मे टाइप के इंसान थे वो उन बच्चों की कदर नहीं करते थे। हमने खुद देखा है उन बेटियों की। तो ये हमारी नालायकी नीचता है वह। और फिर जो कन्या को मार देते हैं गर्भ में, जिसको अबोर्सन नाम दे रखा था, अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है मरवा दो, कहते ये काफिर है। परमात्मा ने सबका निमित्त बनाकर भेज रखा है, ये सत्कर्म मान लेना। हमारी आंखों देखी बात है, जिनका आठ आठ कन्या थी और एक पुत्र था, वो भी सुखी, जो कि सारे बच्चों का ब्याह ढंग से हुआ और खूब सुथरा गुजारा हुआ। परमात्मा ने सबका निमित्त लिख कर भेज रखा है। ये हम लोगों को देखते, क्योंकि हमने अपने पैर पर आपको अड़ा मार रखा है, ब्याह के अंदर इतनी कुबद शुरू कर दी हमने, ना जाने कितना लोग दिखावा करना शुरू कर दिया, और वो फिर अपने जी का झाड़ बन गया। फिर बेटी दुश्मन होगी, बेटी इसी अच्छी आत्मा होती है। लड़का लड़की रोटी खा रहे हो छोटे छोटे, और पिताजी या माँ किसी बेटे ने काम कह दिया, जाओ फलाना काम लिया उठा के करिए, बेटी रोटी छोड़ कर उठ कर चली जाती है, अपने काम माँ की आज्ञा पालन कर लेती है। और बेटा ने कहा क्यों, या चली जाएगी क्यों, मतलब ऐसा अंतर है। और फिर भी बेटे अच्छे लग गए हमने, नहीं बेटे और बेटी में अंतर ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे हैं, वह काफिर जो बन खंड जा रहे हैं। ओए कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाएगा, तो निकम्मे आदमी हुआ करे। वह काफिर जो नार हिताई, वह काफिर जो तोड़े बाही, वो निकम्मे वह काफिर वो ढेड़ हैं जो स्त्री को मार देते हैं। ये दास इन झूठे केसों में, जो जेल में था वहाँ एक दूसरे वहीं पर बंद था एक और कैदी, उससे पूछने पूछा रहा भाई तू कैसे फंसया, न बोला मेरी पत्नी मोटे दिमाग का था, मेरी पत्नी उल्टी चाला करती, मना ना करती, मन लठ मार दिया वहाँ मर गई। मैं बस अरे तू आड़ाई रो पो रोटी सारी उम्र जेल में, निकम्मी आत्मा। तो इस तरह बिना दिमाग के जो ना कार्य करते, ये ढेर होते। वह काफिर जो नार हिताई, नारी को मारे, वह काफिर जो तोड़े बाही। सवाल नंबर दो, जिनके मन में दोष होता है और जो मंदिर में जाते हैं, उन्हें सूक्ष्म वेद में काफिर क्यों कहा गया है? वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती, वह काफिर जो जिसके अंतर में, जैसे आप सत्संग मानते हो या वैसे भी व्यवहार में, कहते अंदर में जो दोष रखकर कार्य करते हैं वह काफिर होते हैं। आप सत्कर मान लेना, आप किसी से व्यवहार करते हो अपनी सच्ची आत्मा से करो, सामने वाला आपके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाओगा, ये सत्कर मानना है। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आ गई दूसरी बात है, जैसा भी आपके भावना होगी दूसरे में तुरंत आओगी। एक समय एक राजा जा रहा था, कहाँ अपने शहर में घूम रहा था, तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लक्कड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूँ मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूँ, फांसी तोड़ दूँ, चढ़ा दूँ। भी पता नहीं के कारण है, वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है, लेकिन जब मैं उसके वहाँ से गुजरता हूँ मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूँ, इसको जान से मरवा दूँ। एक मंत्री समझदार था और उसने एक
संत से सलाह ली कि राजा न्यू कह है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूँ लकड़ी बेचनी को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो राजा ओ मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने कहने लगे वो जो लकड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यू राजा मर गया और इसके ऊपर कहते हैं लकड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज गया, तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लकड़ मर्चेंट के पास। उस लकड़ मर्चेंट से कहावे साची बता दिए, ना तेरी सात आठ न हो रही है अके बात अकराजा ने कह है कि मैं इमराय साजी गए सूढ़ी फांसी चढ़ा लू, भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में साची बताना। उन्हें साची बता दी, बोला साची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा आज, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी, मैं नो सोचू हूँ युराजा मर जा और मेरी चंदन की लकड़ी गणी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री सात बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में नो आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर, तो वापस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है, अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात है, कहते हैं वो काफर जो अंतर काती वह काफर जो देवल जाती। वह अपने आत्माओं ये तत्व ज्ञान है, हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया है कि वह काफिर जो मंदिर मंदिरों में जाते हैं, अपुण्यात्माओं वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बना कर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है, मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है, अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम आम के गुणों का ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा, जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आएगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करनते हैं या उसके मूर्ति का आगे भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं। जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उसका कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। वह काफर जो अंदर काती वह काफर जो देवल, देवल माने मंदिर जाती, देवालय, देवल मीन देवालय यानी मंदिर में। सवाल नंबर 3, इसके अलावा और किन किन लोगों को काफिर कहा जाता है? वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीश हलावे, कहते हैं जो सत्संगादि होता है उसमें नो नो करें, कहते हो करे नरे नकम्मे बकवाद से अंदर उनके।
नहीं तो भगवान की चर्चा चाल है, सिर के उसमें तो अंदर कलेजा धड़कना चाहिए। ऐसे दुख की बातें याद दिलाई जाती हैं कि बिना बंदगी भैंसा की जय भोग बना के खेला और कुकर सुकर खर की जाएगा छोड़ सकल बंद फैला। बताइए इसमें ना डलाने की क्या जरूरत है। अब जैसे आपको कोई कहे तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर भी नौकर है तो वो नशे वाला हो सकता है। कलजा दिल धड़कना चाहिए, रत तरह गजब हो, गधा बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, तो इसमें शराब भी तला सके, जैसे वो तो मार सके सिर ने, जिसका इन डर होगा अगर तरह बिजली गिर जाएगी भक्ति नहीं करी तो शीश नहीं हल सकता वहां पर, मत उसमें लह सुर में नहीं हल सकता। वह काफर जो करें कंदूरी, वह काफर जिन नहीं सबूरी, वह काफर जो मांस पकाते हैं और वह काफर जिनका सबर नहीं, बेसबरे यानी माया जोड़ ले धर ले ठाक है, सारी उम्र मर्जा जोड़ जोड़ कर और अंत में माया यही रह जाती है और वो पाप की गठड़ी आप लद्या जा फिर। तो परमात्मा कहती हुआ काफिर जिन नहीं संतोष नहीं, सबूरी माने संतोष। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही, वह काफिर जो बकरे मारे यानी मांस तो खाते हैं चाहे क्या है का भी हो। ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफिर जो नहीं साधु जमाही, अपने आत्माओं आप सभी साधु हैं, साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चल है, साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है, और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हो ये सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं, यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता कोई भी, अपने घर सब खा कर सो है अल्लाह सुखा, यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता, आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई हजार गुना बना के, हजार गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया फिर उसमें। इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह काफिर जो बकरे खाई, वह काफिर नहीं सात जमाही, वह काफिर जो मांस मसाली ही, वह काफिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं, हाली हल जोतता है जो। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम, ओह वह काफिर जो खेती चुरावे। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे और दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज्यादातर, दोनों का ईख, और वो जावा खेत में वो तो चाचाड़े मत पाड़े बीच मत गंडा जाके और अपने में बैठ के चूस कवड़त डाला उसके जो छिलके, और दूसरा जावे वो उनके बीच मत पाड़ के अपने बैठ के चूसा। एक महीने के बाद उनके जो चाचे ताऊ खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखन, तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफी खाली कर रखा दोनों दोनों तरफ से। उन बच्चा ना कर अच्छे जवान थे, वह बीस पंद्रह बीस बीस साल के, उनने पूछा रे तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाट रखे, बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ, चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी, कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह काफी जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जाए गांव में बढ़ जाए उसका बकल तार दें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारे मोरम, अब भारत सरकार ने मोर को मारना
एक भारी जुल्म बता रखे है। और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र इतने सुंदर पक्षी को मारना, काफर ढेर लोग मारते। वह काफर अनभावत खाई, वह काफर गण का गलवाही, वह काफर जो अनभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के नोते कम हो गए, क्या हुआ करते कि दूसरे का नोता होता ना, का शादी है या कुछ, उसने भेजा करते दो अच्छा दड़ी पक्का खावे, कुछ एक लोग सभी नहीं होते थे। तो कहते हैं वह काफिर अणभावत खाई, खाम खां सूड़ है। तो कहते हैं वह भी ढेर आदमी होते हैं जिन्हें अपने खान का बिना बेरा। वह काफिर अणभावत काही, काफिर गण का सो गलवाही, जो वैश्याओं के साथ मेल करते हैं वह भी ढेर आदमी है। काफिर अर्ध बिंब से संगा, काफिर सो जो फिर बेनंगा है, वह काफिर हैं जो नंगे फिरते हैं। ये साथ दिखे ना, कई बिनानी वस्त्र फिरते हैं नागा, और ये कुछ जैन धर्म में भी पशु की तरह निरे निकम्मे कति नंगे आंटते हैं। कहते हैं काफिर सो जो फिरे बेनंगा, वह ढेर हैं जो नंगे फिरते हैं। काफिर सो जो मही तनावे, जाका दूध रुधर घर लियावे, वह काफिर जो भैंस को तंग करते हैं, जैसे भैंस दूध ना देती थी, कुछ इसे देखे हमने ने उसके पैर बांध दे, अगले भी पछले भी दे लठम जोठा दे गुद्दागद, एक घंटे थी उसने कुटे, फिर वह दूध दे थोड़ा बहुत बेचारी उसने लिया। तो कहते हैं वह काफिर जो भैंस को दुखी करे और फिर उसका दूध वो रक्त पीवे। आजकल जो ना तरीका बदल गया, आजकल भैंस के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो दूध दे देती है। ये भैंस को सताना नहीं है, वो एकादी निकम्मी आत्मा होती है जो खा कर अपना वापस ना करे, तो वो इंजेक्शन लगाना पाप नहीं है। कदे कोई ना सोचो भाई, हमारी तो एकादी भैंस कई बार कट जा गड़बड़े, कदे भूखे बैठे रहो, उसके लिए नहीं है। पहला और फार्मूला था, दे लठा लठ टांग पठा गया टांग पर, तो वो गलत था। काफिर सो जो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे, काफिर जो मुर्गी खावे और फिर जो अंगड़ियां तो चाटे बना के मुर्गा है, मुर्गा के मांस बना के। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष। वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, प्रणारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी का काम होते हैं, लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, या बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह भाई, ये भी निकम्मे हैं, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए, सबसे महापाप बताया इसका। कब फिर हुक्का पी में अन्यायी, काफिर भांग भसोड़ी भर ही, काफिर हुके कूसर कर ही, काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटी मुख में थुन्या, वह काफिर जो ये कथा सुपारी मिला के और फिर मुख में सूडे पान चाबे और फिर थूके पिचर, सारा दांत काले लाल, सारे दांत लाल, होठ लाल, थूके उड़े बिरान मिट्टी और सारा गंध मचा दे, अन्यों के टेस्ट टट्टू टेस्ट है ये बता। काफिर ये काफिर है कहते, ये ढेर हैं जो इस तरह की क्रिया करते हैं। काफिर कत सुपारी चूना, पान लपेट मुख में थुना, थुना मैंने ठूसा अंदर नौकरा, फिर उन्हें चाबेंगे एक घंटे की ब्रैन मट्टी रख। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने बाजी खावे, कहते हैं वो ढेर आदमी हैं जो दूसरे, जैसे पहले माली होते थे, वह बाग बगीचे सब्जी आदि लगाते थे, कोई निकम्मी आत्मा जाता था उन्हें धमका डरा के हंगे तो तोड़ लेता। अब सारे दिन तो मेहनत करें बेचारे, मजदूरी करें, उसने कोई वैसे उनका मेहनताना दिए बिना, उनकी कीमत दिए बिना ले लेता है, तो उसकी आत्मा दुख पावे। कहते हैं वो काफिर वो ढेर होते हैं जो बिना ही ऐसे उस मालन को डरा धमका के
उनके वहाँ सब्जी वगैरह तोड़ लावे, बाग बगीचे में फल ले आवे। काफिर सो जो अंब चचोरे मजलिस बैठे मुख निपोरे। अब वो काफिर बताए, जैसे कोई मजलिस यानी कोई सभा हो रही है, अरे कादा कोई बात कह रहा हो ना, जैसे बात कोई चलती है, कोई कुछ विचार दे रहा है, ये कहता बैठा बैठा बकवास कर, कहते इस तरह जो करता है वो ढेर आदमी हो, यानी पहले बात सुना अगले की पूरी, फिर कोई शंका है तो खड़ा होकर फिर उसका प्रश्न उत्तर कर ले। तो कहते इस तरह, कहते जो मजलिस मजलिस बैठे मुख निपोरे, और काफिर सो जो कानी दे ही, काफिर जो कन्या धन ले ही। वह ढेर आदमी है जो लड़की बेचते हैं, उसको बेच कर यानी पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे लेते हैं उनसे। काफिर जो साड़ी से साखा, काफिर वचन उल्ट पलटे माँ का। वह काफिर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं, अवैध संबंध करते हैं, और वह काफिर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं, हम अध्यात्म मार्ग से गने दूर चले गए, इसलिए हमारे अंदर ना लाजरी ना शर्म ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं, यमन भगत हो भगता ने हृदय में जमाने चाहिए, ये चाहे एक कथा हो पर उसको सच्ची मान के अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था, और शराबी ने तो रोज शराब चाहिए, फिर बुढ़िया उसकी माँ थी विधवा, और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से, इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा, कोई पता नहीं कैसे रखेगा, इसलिए अपना लकड़ी तोड़ा, गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया के हाथ पाँव चल रहे थे, इतने तो कुमा के ले गई, वो शराब पीवे समझावा मानना नहीं, पर माँ की ममता न्यारी हो सह कदे तो समझ जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है, ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना। ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए, उस नकमी ने कह दिया कि तू तो अपनी माँ का जो है दिल निकाल के ला, और शराब भी पी गए गुटी, माँ ने शराब दी वो ठोकर, और कहते माँ को मार कर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा, और आगे ठोकर लगी, शराबी था, शराब पी रखी थी, नशे में जुल्म कर दिया, तो कहते हैं गिर गया वो, और माँ के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लगी। तो यहां बताते हैं कि माँ की ममता जो बालक में होती है, बेटा या बेटी में, और फिर हम उसका उसके साथ फिर बदव्यवहार करें, उसकी बात ना माने, उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, अब उस माँ की उस सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी पुत्र वधु आवे, मुझे प्यार दे, क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी, मेरी पुत्र वधु आवेगी, उसने नो बिठाऊंगी, ऐसे करूंगी, फलान करूंगी। और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ, दूसरे घर में जाना कोई बालका खेल नहीं है, और वहां उस बालक ने कोई राजी ना बोलवा रहे क्यों कर फिर वहां पर। तो ऐसे हमने एक अपना अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है। एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले, और बहुत वह पुत्र वधु है उसके साथ थोड़ा मत भेद करे, यानी कोई भेदभाव करे तो उसकी आत्मा जला करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी ने रखे ऐसे अपने पुत्र वधु को रखे, ऐसे पुत्र वधु का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी माँ से उसकी ममता है, नई माँ जो उसको प्राप्त हुई है, आगे जीवन उसके साथ है उसका, वहां तक 15-20-18 साल रही होगी, और वहां आखिरी सांस तक रहना। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक ग्रस्त जीवन को भी सुधारना है। तो यहां क्या बताते हैं, काफिर सो जो साली से साखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता वो ढेर आदमी होता है। काफिर वचन पलटे माँ का, वो काफिर जो माँ के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा ये, जो भक्ति मार्ग में माँ हो चाहे पिताजी, अगर नू का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने।
क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं, जो भक्त आत्मा है। और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं डांटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे, और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे। फिर देखो विचार, तो ऐसे भगवान का आदेश है। पूज देई धाम को शीस नावे जोए, गरीबदास साची कह हद का फर है सोए। पूज देई धाम को, इन देवता की तो देवी धाम, देई धाम है ना, आप अपने कोई कितना श्याम जिन पूजा है, कोई कितना भनभोरी जा है, कोई बेरी आली में, कोई गुड़गाम आली या कोई और बना रखे हैं। कहते हैं पूज देई धाम को और शीस हलावे जो, कहते हैं उड़ा कर कैसे, और गरीबदास साची कह हद का फर है सोए। वो महापापी है, महा दुष्ट है। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम, काफिर जो बनज व्यवहार यानी अपना जो किसी के साथ लेन देन कर रखा है, वो निकम्मी आत्मा, वो ढेड है, वो काफिर है जो व्यवहार में गड़बड़ करता है। वह काफिर जो तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम, जो चोरों के साथ दोस्ती करता है वो भी काफिर है। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो जो बिन सतनाम आधारम, ओह काफिर सो जो बाग उपाड़म, काफिर सो बिन सतनाम आधारम, वो काफिर है जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी सच्चे नाम की यानी सत्य सही मंत्र की। आगे ना वही बात के ये जो भक्ति नहीं करते वो भी काफिर। इस मनुष्य जीवन के फूकांगे, चाहे राष्ट्रपति बन जावा, अकल नगदे बने पावांगे। तो कहते हैं वह काफिर जो बाग उपाड़े, बाग ने नष्ट करे, और जो काफिर जो बिन सतनाम अधर्म, वो काफिर है जिनके पास सच्चा नाम नहीं, चाहे वो भक्ति भी करते हैं। तो यहां आगे के जो भक्ति करने वाले माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर जो विद्या चुरावे, काफिर बैरो भूत पुजावे, कहते वो ढेर आदमी है जो विद्या चुराते हैं। जैसे इस दास से नाम लेकर, ये मंत्र आज तक किसी के पास नहीं थे जो दास को मालिक ने दिए तीनों मंत्र, और इनको लेकर मुझसे अब कोई वो और इस विद्या का कहीं और प्रयोग करने लग गया पर गुरु बनकर, वह काफिर, वो ढेर आदमी है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे, वो काफिर है जो भैरव भूत की पूजाएं करते। पूज देई धाम को शीस लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध साने, काफिर आन देव को माने, आन देव अन्य देवता की जो पूजा करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट किया है, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मंदबुद्धि, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं काफिर आन देव को माने, अन्य देवताओं को पूजते हैं, और काफिर जो गुड़ को दूध साने। पुण्यात्माओं, ये आज नहीं, परमात्मा ने तो अपनी, वो तो मालिक थे, गुड़ के साथ दूध कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। इससे शारीरिक बीमारी भी होती है और भक्ति मार्ग में ये बहुत बाधक बनता है। तो यह परमात्मा का आदेश है कि वो काफर हैं जो दूध और गुड़ इकट्ठा प्रयोग करते हैं। हालांकि बहुत रुचिकर लगता है, हम भी पहले पिया करते, गुड़ की डली ले लेते, खाएं जानदर चूस की ले ले, दूध पिए जाते, पर जब ज्ञान हुआ उसके बाद छुआ नहीं हमने, आग लगे सी आनंद कह जो भगवान से दूर करे। वह काफर अनरुचि खाई, वह काफर जो भूले साई, वह काफर जो अंडा फोड़े, काफर सूर गऊ को तोड़े। वह काफर है चाहे सूर खाओ चाहे गऊ खाते हैं, वो दोनों ढेर है। वह काफर जो मुर्गा मारे, वो काफर उधर कर्द उधर से पाड़े,
काफर पीवत गऊ हटावे और काफर कुए की मंडावे। जैसे गाय कहीं जल पी रही हो, पशु कोई भी हो, और उसका मारे लठ उसने हटा दे वहां से। कहते हैं जो काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंडावे, यानी कुएं की वो जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसने तोड़ फोड़ करें वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। सवाल नंबर 4, नशा करने वाले, मांसाहारी और व्यभिचार करने वाले व्यक्तियों के विषय में परमात्मा का संविधान क्या कहता है तथा इससे क्या आध्यात्मिक हानि है, नशा, मांस हो या व्यभिचार? यह तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है और यह भगवान के संविधान के खिलाफ है। तो अब सुनिए इससे संबंधित भगवान का विधान। काफिर घट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है अंदर, हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, और काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के को सरह करही। हुक्के ने पंचा पहला बताओ, और काफिर घट में धूमा देही, घट माने अंदर में धूमा ठोके, और काफिर वो नास नाक में ले ही, तो सूंग है वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चुना, अब पहले हुक्के को लेते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पियो। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लग गई, ये बुराई इतनी बढ़ गई, पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लग गई गुड़गुड़ी बजाने। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आ जा बेटा आ बेटी ले थोड़ा सा पी ले, ले पिए जब तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी उक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल, के बच्चे तो मात पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करे अग्रम बालक, तो फिर वो उक्का पीते नू करेंगे, फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुंदी चीज है, और आप पी वह तेरा गज भैया। कहते पंडित और मसालची दोनों सूजना, पूरा न करें चांदना रहे आप अंधेरे माँ। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार गुट, ज्ञानियों भी जड़ी गिर गई। अब जैसे मात पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे जब दादाजी पीवे पिताजी पी रहा है तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे, तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीण छुपके, और कुछ दिनों के बाद वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आ जा तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले, बता ये पता है कि मानना को नहीं पाछत पीवेगा, अपने आप बुराई पैदा कर ली। अपने आत्माओं, तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले, और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, जीवन व्यर्थ। इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है, और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं।
ईड़ा, ये पिंगला। और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरन करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है। और धुमा सबसे पहले उस सुषमना नाड़ी को, सुषमना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पाड़ पाड़ थे, तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार कर उसने साफ करा करते। जबकि तंबाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकल कर जब आता था फिल्टर होके, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा इसे कसूते लील लाल हो जाया कर। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषमना उस सुराख को ये तमाखू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं, और काल यही चाहता है कि इनका सुषमना कति ब्लॉक हो जाए, फिर ये खाए जाओ धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। कोई लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी, बीड़ी तंबाकू से मतलब है, इन्हों नहीं बचे हुक्का पियो सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प बने गणे बना लिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गाँव में परचून की दुकान खोल ले ना, बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा गया। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवे, तेरा तो नाम टूट गया, गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना हो, तंबाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोला, कहने लगा बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते हैं, क्यों ने उसने पीना उस पर छूटती कौन बुराई ना लायक पे, जो कह गुरु जी ने हुक्का हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी है तेरा गजब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तंबाकू मीन तंबाकू प्रयोग जिसमें होता है, सूंघना भी नहीं है। तो यहां बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरा 512, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओहो, सुरापान मदमासा हारी गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोलें, 70 जन्म अंध हो डोलें, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई, मृग मोर मारे मैं मनता, अचराचर है जीव अनंता। जीव स्वाद हिते हैं जो प्राणा, दीमा नास गया हम जान्या, तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका, जो मो मन सिर बिस्मिल लाई, जीव्य स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर धरा बयाना, शब्द हमारा मानियो और जो सुनते हो नर नार। जीव दया बने कुफर है, चले जमाना हार। क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरा 512,
एक चलम होका भरे वो डूबे काली धारे। अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी गमन करे वो गए पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तखते हैं, गम पर दारा गम पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा कि तो और किसी कारण से कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा, यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी गमन करे वो गए पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तखते हैं, गम पर दारा गम पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा कि तो और किसी कारण से कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा, यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा, मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, और मदरा पी वह कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। होय होय होय, एक बार एक प्याला पीणते शराब का 70 जन्म कुत्ता, होय होय ये तो लागे गुटी टीटी पाके फिर बिरा पट्टेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जूठी किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा, हैं और कि तो टांग टूट जा खाज लाग जा, वो दुर्गति न्यारी होगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान किए जानी। अपने आत्माओं एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ है। ओ हो, कहते सुराप सोनारी जारी करे और सुरापान सो बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओ हो, अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से एक प्रगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी गमन करे वो ग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और 70 जन्म वो अंधा होगा, और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी कर 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। पुण्यात्माओं ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण अपर ढूंढ लेते हैं,
कई के कहेंगे भाई शराब तो धोखा है, अच्छा कमाल की बात है, जहर ने किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तम्बाकू तो ना पीते, शराब शराब को मांस खाते हैं वो मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं। अब इन ओक्का पीनी है गौरी हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू जो पीनो ओक्का गुड़गुड़ा में बैठ के उनके बारे में क्या बताते हैं। तमाखू कसीदम तमाम मस्त हैव लुजित नसीरी कुवैती न कैफ, हरदम मकरूद पीवे शराब, होगा सरे बीच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबरान मट्टी होए होएगी। फिर बताते हैं तलक सा तमाखू और सिला घोट पीस, और देई नास नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए, और वहाँ भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, तो वायु के साथ जहाँ ऑक्सीजन जाती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान हैं उनके अंदर से ये वहाँ पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं, और ऊपर तो फिर उक्का पीवे शराब पीवे मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना हलवा पूरी बना कर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया, और वहाँ फिर एक अंगीठी बाड़ दी या कोई आग से लगा दी, क्वाड दिए बंद करे, वो के रोगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से इन भगवान आके धूमा वो धूनी लगा देते हैं। तो ऐसे हम कर रहे हैं, क्या बताते हैं, तलक सा तमाखू सिला गोट पीस, देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाखू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाखू प्रयोग करते हैं। कहते हैं अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गऊ को माता के तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 5, तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई और तंबाकू से शारीरिक और आध्यात्मिक हानि क्या है। तो तंबाकू कैसे बना, कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय, ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध सौ बार इसको ना खाए। अब तमाखू यानी गाय का खून, एक पौराणिक कथा है। एक राजा का एक साधु था, ऋषि पुण्यात्मा, कोई ब्राह्मण था, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो। अब ये कोई अलग से नहीं थे, जातियां अलग नहीं थी, हम एक ही पिता की संतान थे। जो जैसे कर्म करने लग गया वो वैसा हो गया, जैसे एक घर में एक लड़का तो टीचर, वैसे कोई
पोस्ट दूसरी लग रहा है, कहा ही जाता है। एक ने शास्त्री की वो कर ली परीक्षा पास, तो वो शास्त्री कौन लग गया। घर तो एक है, मात पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है। एक ने पटवारी कह है, एक ने शास्त्री कह है। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साडू भगत था ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहां भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहन दे भगवान, इन अपने ते ठाड्डा का भीतर ना बढ़िया करते। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर थे, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया, और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि घना खुद गया, और गादड़ भीतर रुक गया ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सिर निकला, कसूती स्पीड फेंक पकड़ रहा। तो साथी बोले रखित गया था जो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अके हो गया नू तो जाया करें, ईसा के जुलम कर रहा है नू सर। वो बोला ले चलते, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख तरा बुलाओ बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि इब हमने बुलाना चाहिए, ये न्योन्याते गल है, इब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे। ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है ले करता हूँ व्यवस्था। तो उसने क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया, तो स्वर्ग से एक काम धेनु मंगा ली, काम धेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया, और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज आज मारे राजा होगा, उनका न्योता है, हमारा साडू है, सेवा करवा दिया। अब वो ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए, अका साडू की मरोड़ का ढकाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और न्यारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए, राख भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहाँ जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहाँ टेंट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे, तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, काम देनु माता, उतना तैयार हो गया, वो जावें और प्लेट ठाठा के सप्लाई करने लगे, सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया, और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहाँ से, हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहाँ से लाए ये भोजन, कहाँ से बनवाया आपने।
उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है, एक काम देनु है। इस काम देनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है मेरे पास कई लाख सेना। बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले चाहे इसने खाना खिला दे। राजा बोला सैनिक को इस गाय को छीन लो साढ़ू गियारी इतनी हो है, सैनिक को इस गाय को छीन लो और चलो ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए मेरी काबू से बाहर बात होगी है। तो ऐसे ही वो गौ जो है ना काम देनु टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा वह खुरमर लग गया और खुरमर से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाय का वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पीवो तमाकू बना के हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के, या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं खून नाम खून का तमा नाम गाय सौगंध सौ बार इसको ना खाए। कहते हैं सौ बार सौगंध इसकी सौ बार प्रतिज्ञा करो इसको खाना नहीं। गधे समान कौवा कर्म के कुलीन पीवे तमाखू सो जम के आधीन पेतबाई खांसी निवासी निवास कफ दल कले जाली ना गिरा से। ओहो कहते हैं तमाखू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं फिर कभी पित्त बनेगी कभी खांसी हो जाएगी बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तमाखुर गोरा पीवाक दस बीस लंगर जा बैठे गुटाक। आह कितना अच्छा चित्रण किया है। बाजे ने और गुड़ गुड़ अर उके हजूम और कोरे को बद्दी बीसा है नसूम बाकी ही पगड़ी बाकी ही नए और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये उक्के पिनिया का बता रखा है चित्रण कर रखा है कि फिर क्या बताते हैं शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही यही मूल मंत्र तमाखू ना बोई। ओह अपने आत्माओं कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार अमली के मुख में मूत्र की धार तमाखू तर्क गर्क कर करोध ममता मनी मार संसार बोध कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट बचन मान मेरा धूमा ना घूट। अब क्या बताते हैं जो ओका पीते हैं ना उनके उनकी कैसी सेटिंग हुआ ध्यान देखा करते हैं एक यहां बैठा है दो तीन तो आसपास बैठेंगे एक थोड़ा सा उड़े ही बैठेगा नू अनु का अला सर कही मेरे का ना इतनी दूर बैठ गए जो करिए मेरे का ना भी इसमें क्या बताते हैं और बैठ के बतलावेंगे उनकी चर्चा सुन जोगी हुआ करे कहते राजनीति की है क्या किसी की ओर भाई फलाने का नहीं वगैरह नाश होगा उनका तो यानी हुक्के पे बैठ के कोई राम नाम की चर्चा तो हमने कदे सुनी को ना ने एंड बैंड को क्या है कि को किसी की फलाने की धकड़े की सारे गांव की चर्चा उड़ दो घंटे हम कर लेंगे और ओका पीणिया न्यू क्या आकर रले मेरा वाला कड़ुआ है यू भर ले तमाखू कड़ुआ यानी अच्छा कड़ुआ वो बढ़िया लागे। तो क्या बताते हैं उसके बारे में
काला तमाकू और गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक, 10-20 होकर तो गुर्दा बैठ जाए गुटाक यानी तमाकू पीनी है, बाजे न गुड़गुड़ और हुक्का हजूम और कोरे कुबद्दी बीसा है न सोम, यानी कोई राम नाम की चर्चा नहीं, कोरी इधर उधर की आंकेंगे, बाकी ही पगड़ी और बाकी ही न टेढ़े पगड़ी प्यार नौकुर को, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह, कितना न डबोगे ये ऐसे एक्टिंग करके, कहते गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, गुरुड़ 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 शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे, ओए होए देख कितना निर्मल समाधान बताया परमात्मा ने, कहता है सुखन मान मेरा मेरी बात सुन ले और कहता हूं तो हे, यही मूल मंत्र तमाखू ना बोयो, अब बोवांगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आज सरकार ने भी धूम्रपान पर जो है ना बैन लगा दिया और तमाखू को बीजने पर भी बैन लगा दिया, और परमात्मा ने आज से 250-600 वर्ष पहले कहा था कि यही मूल मंत्र है इस पिस्त बुराई तो पांडा छुटवाण का कि इस तमाखू को बोयो मत ना। क्या बताते हैं, तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। अब जब ये शरीर छोड़कर जागा वहां यम के दूत इन ओका पीढ़िया ने नारे पटकेंगे ठाके और उनका मुंह में मुत्या करें, नोकेंगे ले प्यारे तो कड़ुआ गणा पिया करता है कड़ुआ ही पी। कहते हैं ये सत्कर मानना पुण्यात्मा दास नहीं कह रहा, ये भगवान का आदेश ज्ञान है और ये सत्य है, हमारे ना जच्चा हमारी नाला की है अपनी बुद्धि की सोच है। कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और जूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार है, कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेस, ले कड़वा ही पी ले तू पेशाब को। कहते हैं तमाखू तरास निराशा निराश, भूले धनी को जो कहिए इलास, और पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। सवाल नंबर 6, भगवान के आदेश की अवहेलना करने से क्या होता है? सुनिए अजाजील की कथा और जानिए दंडवत प्रणाम का कितना अधिक लाभ है तथा भक्ति कैसे खत्म हो जाती है। जिस प्रकार देश के संविधान को तोड़ने से हम दंड के भागी होते हैं, इसी प्रकार यदि मानव भगवान का विधान तोड़ता है तो उसे भयंकर सजा प्राप्त होती है। सुनिए भगवान के आदेश की अवहेलना करने से अजाजील के साथ क्या हुआ। पुण्यात्माओं ये एक परमेश्वर की वाणी है, इस पर हमने अमल करना पड़ेगा। क्या बताते हैं, यदि तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो क्या होगा। अजाजील बंदा इराना समूल, सरे का वचन जिन किया है अदूल, कैफी कमल कुंज खेचा कमंद, इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र। अब क्या बताते हैं कि कैफी कमल जो खेचा कमंद, यानी कमल के अंदर जाकर के इसका जो ना प्रवेश हुआ, और इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र, इस तमाकू से ऐसा होगा। अब इसमें क्या ये ना समझना कि वैसे सिंपली वैसे ही परमात्मा ने जो लिखा, नहीं, परमात्मा का साधारण सा आदेश भी हमने पालन करना होगा। इसमें क्या बता रहे हैं कि अजाजील बंदा ईराना गया और सिरे का सुखन सवाल उसने माना नहीं। एक अजाजील नाम का बंदा था, पुणात्माओं आप जी को यहाँ 5 यज्ञ करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको भगवान के दरबार में प्रवेश करने के लिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। तो जैसे हम अभी तक क्या करते रहे, जैसे कोई तो हवन हवन ही करता रहा, कोई केवल भंडारे आदि कराता रहा कि तो चिड़िया ने दाने डाल देता पक्षियों को, ये धर्म भंडारे इस तरह करते रहे धर्म यज्ञ, और कोई
प्रणाम करता रहा। अब जैसे किसी ने पता लगा कि एक दंडवत प्रणाम करने का, बंदगी करने का एक यज्ञ तुल्य पुण्य होता है, तो एक अजाजील नाम का एक, अच्छा प्रणाम करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे मन का अहंकार समाप्त हो, हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा शत्रु है जो भगवान से दूर रखता है वो अभिमान है। अहंकार का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है, तो इस अहंकार रूपी शत्रुओं को समाप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करवाई जाती है। अब अजाजील नाम का एक व्यक्ति था, उसको ये पता चला कि ऐसे प्रणाम करने से एक यज्ञ का फल मिलता है। उसने अपने जीवन में, पर लाखों वर्ष की उम्र हो जाया करती थी, उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी करी, दंडवत प्रणाम किए 11 अरब, और फिर उसके लिए वो गया ऊपर, ऊपर के दाम में स्वर्ग लोक में। अब वहां परीक्षा ली जाती है, अब विष्णु भगवान वहां, विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, एक अलग से वहां व्यवस्था की, और उससे वहां एक महा, एक स्वर्ग, स्वर्ग था वहां पर, वहां उसकी परीक्षा ली। भगवान विष्णु खड़े, अजाजील चले गए, शरीर तो यहां छोड़ गए, इसके अंदर दो शरीर था, वो उस प्रणाम रूपी यज्ञ के कारण उसके अंदर एक तेज तेज पैदा हो गया, यानी नूरी शरीर बन गया उसका, उस भक्ति की कमाई, उसकी साधना से, उस पर उस साधना से। तो वहां जब वो पहुंचा तो भगवान ने सोची कि इसने बंदगी की है, इसकी परीक्षा लेता हूं। तो अजाजील से कहा कि अजाजील तेरे अंदर बहुत भक्ति होगी है, और एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, एक बच्चा उत्पन्न कर, लड़का उत्पन्न कर, युवा। वो कहना जी कैसे करूं? भगवान ने कहा कि तू यूं कह दे कि नरभव है। उसने कह दिया नरभव है। ऐसे कहते ही सामने एक नौजवान बालक 15-20 वर्ष का सामने खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। अब भगवान ने कहा कि अजाजील अब इसको बंदगी कर दे, प्रणाम कर इसको। अजाजील बोला ना मत ना करूं, ये तुम्हारा बेटा है, मेरे वचन से पैदा हुआ है, तो मेरा उत्पन्न किया हुआ मेरा पुत्र है, और बेटे को बाप प्रणाम करे, डूब कर मर जाए इस तरह से। अब परमात्मा ने सोचा यो अपना कर्म बिगाड़ दिया, नरक निकम्मे ने इतनी मेहनत करी, यो खो दिया काम, कह रहे तू कर ले प्रणाम कर ले। इसने अकना मैं ना करूं, मेरा धर्म बिगाड़ दे, अपने बनाए मैन्युफैक्चर अपने पैमाने हमारे ये कति कर्म बिगाड़ के। अब भगवान ने सोचा इसको थोड़ा ग्रेस मार्क दे दूंगा, इसकी कमाई बिगड़ेगी। एक गेट था, ऐसा गेट था बैक गेट ऐसा बना रखा था कि कोई भी हो व्यक्ति है उसमें से झुककर ऐसे तब उस बाग बगीचे में जाता था सैर सपट्टे को। वैसे तो मेन गेट अलग था, इंद्रियपुर से जाना होता तो ऐसे शॉर्टकट जाना होता तो नीचे झुक कर जाना पड़ता था, नू ऐसा गेट बना रखा है, ऊपर फूल फाल बेल बाल लगी हुई है। तो उस लड़के से कहा भगवान विष्णु ने कि जा बेटा इस गेट के परली तरफ खड़ा हो जा दरवाजे थे। वो उधर चला गया। भगवान बोले विष्णु जी कि आजा अजाजील तुझे सैर सपट्टा करा के लाता हूं। अब भगवान मुकुट समेत उसमें का झुक के, सामने वो लड़का खड़ा है ऐसे झुक के निकल गए और कहा आजा अजाजील मेरे साथ साथ। ने बोला मैं सारी जानू तेरी, तू छलिया है ए? फिर मेरी हंसी करेगा। न्यू कहा देखे ना करवा दिया प्रणाम, न्यू हो गया ना, न्यू कह देगा तू हो गया तेरा प्रणाम, देख लिए मैं सारी जानू मैं ना करूं। अब परमात्मा ने तेने सोची थी कि इसकी या कमाई बच जाएगी ना गधा बनेगा यो डकमी आत्मा।
विष्णु जी ने कहा रहा आ जा तू, ना मैं ना हूं, बोला जा तेरी सारी कमाई कैंसिल, और वापस आकर गधे की योनि में गया। तो पुण्यात्माओं यहां एक उदाहरण दिया है इसमें कि अजाजील अराना गय, अजाजील बंदा इराना समूल, और सरे का वचन जिन कीहा कीन्हा अदूल, कि जिस प्रकार परमात्मा के वचन का उल्लंघन करने से, अवहेलना करने से अजाजील का नाश हो गया, सारी भक्ति नष्ट होगी, गधे की योनि में गया। ऐसे ही यदि आप जी इस भक्ति मार्ग में, हमारा ये आदेश है कि तमाकू शराब मांस बीड़ी छूना नहीं है, और आप फिर भी बाज नहीं आते हो, तो आपकी भक्ति कति नष्ट हो जाएगी। ये आदेश पालन ना करने से जिस प्रकार अजाजील का नाश हो गया, ऐसे आपका काम बिगड़ जाएगा। सवाल नंबर 7, हर की पैड़ी, हरिद्वार में 25,000 साधु संत आपस में लड़कर क्यों मर गए थे, जानिए त्रिगुण उपासकों के कारनामे। आज से लगभग 353 वर्ष पूर्व हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की प्रभी का संयोग हुआ। वहां पर सर्व त्रिगुण उपासक महात्मा जन स्नानार्थ पहुंचे। गिरी, पुरी, नाथ, नागा आदि तमोगुण भगवान श्री शिव जी के उपासक तथा वैष्णो सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के उपासक हैं। प्रथम स्नान करने के लिए नागा तथा वैष्णो साधुओं में घोर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार कत्लेआम कर देता है, वह साधु है या राक्षस स्वयं विचार करें। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान स्नान के लिए देने की कृपा करें, तो आम व्यक्ति भी शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। अब सुनिए इस विषय में संत गरीबदास जी ने क्या कहा है। सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नू जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है। अब क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री री गावे हैं। ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर बेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाने, ये बद्दर बेख बनावे हैं, करुआ और कॉपी न लिए जा, बनखड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गट में दूती, फिर गृह द्वारे आवे हैं। तो परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी, अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लौटा जोड़ी ठाक है, गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई दिए माई। अरे घर में सारी सुविधा थी, समय पर रोटी खाओ, अपना धंधा करो, और भगवान भजो जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोद जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहाँ द्वारका दाग दगावे हैं, यो भी बैदा बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला बना भरा था, ये तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्माओं यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखे इन चिमटे गाड़ के धोने ला कर राख रमा के बड़ी बड़ी जटार माला पैर कहने, सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहाँ जाकर कुंभ के मेले पर जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे बिना कनपाड़े नाथ अलग से,
और वहाँ ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहाँ पहुँच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पर, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णो साधु आ गए, विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णो ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, सरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहाँ इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत मान्या करते थे 25,000 कटका मर गया, पशु कतलेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहब जी के तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, हर की पैड़ी कहें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालायकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जाते एक जलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फेरिसाय होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी वैदा है और वैद्य से भेद लेदा, यो भी वैदा। तो इस प्रकार पुणात्माओं आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साथ साथ दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है, और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, सभी यज्ञों की धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो, भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है 600 साल पहले वो बताए गए थे उस सूक्ष्म वेद को, ये तत्वदर्शी संत, ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, राम नाम की चर्चा अपने सुनने को मिलगी ना, सारा दिन इस पेट के धंधे में दादे मर गए, पटदादे मर गए, दो रोटी के लिए सारा और भूत बने फिरते हैं। अभी एक भक्त ने चिट्ठी लिख कर दी है, आज ही पकड़ाई है वो, उसने लिखा है कि हम किसी के पास ये झाड़ा झपटा सीखा करते हैं, अब वो झाड़ा झपटा करने वाला मर गया, ये वो भूत बनकर हमने सतावे है। तो ये इसे गुरु थे अपने, ये वो सारे भूत बने अंडे हैं। तो परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उदरे जीव, और साचा पर गुरु सतकबीर है आदि परम गुरु पीर कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाण। तो पुण्यात्माओं प्रत्येक ज्ञान और इस परमात्मा के महिमा को ध्यान से सुनो। अब सुनिए इन त्रिगुण उपासकों के विषय में सूक्ष्म वेद में क्या कहा गया है। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेख भेख कुमारे और काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, वो काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड़ हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख कुमारे काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं। काफिर कीर्ति नालक है
धर्म दया व्योहारे, गरीब दास कैसे बचे, उसने जाना जम द्वारे। कहते हैं काफिर जो हैं ये बात को मानने को ना, इन तो जाना ही काल के लोक में है। सोनारी जारी करेंगे सुरापान सो बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं ये संखा नहीं सलेस, शंकर से सतगुरु मिले इनके न तो न लगे उपदेश। सूर गऊ को खाते हैं ये भक्ति बहुने राड, भांग तमाखू खा गए सोचा बत है हार्ड। गरीब भांग तमाखू पीवे ही ये गोसर गोसत मदरा आहार, चंद सूर की आव लगिए चोला धरे बेगार। भांग तमाखू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए जंगली बने परेत। भांग तमाखू चाबे ही ये नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। भांग तमाखू पीवे ही ये गोसत गला कबाब, और मोर मर्ग को मार खाते हैं ये देंगे कहां जवाब। आला पाला खावे थी या बकरी बेड़िया बाग, सोरू मां बक्षण करिए कर्म आपने बाग। कुरड़ी पर गद्धा चर ये बोले राग रमंड, और बेद कपते बांच कर वो खा गए मुर्ग अंड। ठूठा पी के भांग का यो भंगी भया खुशाल, मगन हुआ माने नहीं इराना है काल। भांग तमाखू पीवे ते ये चश्मे लाल तमाम, साहेब तेरी बंद साहेब यो जाने कहां गुलाम। द्वादश तलक बनाए कर ये फांसी लीनी हाथ, विस्के लड्डू देते हैं ये जीव ऊपर गाथ। नाना वर्णम भेख है इस दुनिया के माही, बचन हमारा मानियो ये सब पंथ नरक में जाही। पुण्यात्माओं ये अमृतवान भगवान का बोला हुआ है। कहते हैं कितने प्रकार के पंथ चल रहे हैं संसार में, और हमारी बात सच्ची मान जला सब नरक में जावेंगे जो या सत साधना नहीं की थे। इसमें क्या बताते हैं, भांग तमाखू पीवते अर्चस में लाल गुलाल, भांग पी कर लाल आंख हो जाए, दारू पी लें जब नौकति अरमान नहीं घर के बोलने तो खुरकावें सुल्फा पाड़े पी कर। और कहते हैं साहेब तेरी साहेब भी यू जाने कहाँ गुलाम है, कि हे भगवान तेरी तेरी महिमा ने यू इन नसों का गुलाम कैसे जान सकता है जिसने भांग तमाखू शराब है मांस इस तरह अड़ंगे खाने की आदत पड़ गई, तेरी भक्ति ने के समझे तेरी महिमा से। कहते इनका गुलाम इन विषय विषयों का गुलाम, साहिब तेरी साहिबी ये जाने कहां गुलाम। दोस्तों जैसा कि हमने आज काफिर शब्द के विभिन्न पहलुओं और इसके ऐतिहासिक संदर्भों पर विस्तृत चर्चा की, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शब्द मात्र एक धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। विभिन्न धर्मों में इसके विभिन्न अर्थ और उपयोग होते हैं जो इसके जटिल और गहरे अर्थों को दर्शाते हैं। इसके अलावा हमें तंबाकू की उत्पत्ति, भगवान के संविधान को जाना। आशा है कि आप सभी इस एपिसोड के माध्यम से कुछ नया ज्ञान जानने को मिला होगा। अगली बार हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालाराम देवांगन, ग्राम फरतफोड़, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से 24 जनवरी 2020 को प्रथम नाम लिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी फिलहाल रिटायर हो गया हूँ, 2007 में रिटायर हुआ,
और मैं आयकर विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिटायर हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? नाम लेने के पहले मैं जो सांसारिक प्रथा चली आई है, जो माता पिता करते आए हैं, वही सब करता था। मैं धार्मिक रीति था, इसलिए मेरे को ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ठीक लगा और मैं उनका हेड ऑफिस माउंट आबू गया। तो वहाँ उन लोग बोलते थे कि आप जो दान करते हैं आर्थिक दान के बजाय अपनी जब बुराइयों का दान करो। तो मैं पहले नॉन वेज, ड्रिंक और स्मोकिंग सभी करता था। सांसारिक बुराइयाँ मेरे में बहुत ज़्यादा थी, तो मैं सभी को मतलब संकल्प कर दिया था कि मैं ये सब छोड़ दिया। पर 1983 में गया था मैं, उसी समय से मेरा नॉन वेज छूटा। उसके बाद फिर मैं स्मोकिंग शुरू कर दिया, फिर ड्रिंक भी शुरू कर दिया। तो ये सब धीरे धीरे 92 में मेरा ड्रिंक छूटा। मेरी माँ बोलती थी, बेटा आप संसार में बहुत दुख पाते हुए हुआ हो, कभी भी कैसे भी संकट आए भगवान को मत भूलना, ये मेरे माँ के वचन थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आपका आना कैसे हुआ, कैसे आए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में? माँ के इन्हीं शब्दों के कारण मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ। और मैं रिटायर होने के बाद भी मेरा ये था नित्य क्रिया, मतलब कि मैं न्यूज़ सुनता था और धार्मिक चैनल देखता था। तो वहीं देखते 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 एक रोज मेरे को साधना टीवी चैनल लग गया, तो मैं क्या उसके प्रवचन सुनना शुरू किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तब से मैं उनको सुनता रहा और उनसे मेरे बहुत ज्ञान हुआ। और इसके पहले भी मैं जब पढ़ता था तो कबीर के दोहे मेरे को बहुत प्रिय लगते थे, मेरी आत्मा मोहित हो जाती थी। तो बचपन से ही मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत तकलीफ झेलता था। तो अब समझ में आया कि मेरे जो भी पक्ष के माता पिता दोनों पक्ष के रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार थे, वो मेरे से जलते थे और वही लोग भूत प्रेत भेज के मुझे परेशान करते थे। तो मैं इतना बीमार रहता था कि मेरे को क्या क्या बीमारी है वो भी समझ नहीं आता था। फिर धीरे 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 करके जो भी दवाई करता था तो क्या फ़ायदा नहीं करती थी दवाई। और मेरे को हार्ट अटैक 2003 में आया, तो उस समय डॉक्टर बोला कि आपको स्मोकिंग आपके लिए जहर है, इसको छेड़ देने में ही आपकी भलाई है। तो मैं उसको भी छोड़ा और ऐसा करते करते पहले 2003 में मैं हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित था। वैसे तो अनेक बीमारियां थी, मेरे खुद समझ नहीं आता था कितनी बीमारी है मेरे में और क्या बोलते। उसके बाद फिर 2014 में मेरे को अल्सर्टिक कोलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ, तो उसका भी कई डॉक्टरों से इलाज कराया, पर अंत में मैं रायपुर में डॉक्टर सोलंकी जो हैं कुलदीप सोलंकी उनसे इलाज कराया। तो उसी समय मैं परमात्मा के शरण में भी आ चुका था, तो वहीं से मेरे को फायदा होना शुरू हुआ। सर, क्या क्या बीमारियां थीं आपको? मेरे को तो वैसे बहुत बहुत सारी बीमारियां थी, मेरे खुद समझ नहीं आता था, पर मेन बीमारी बताता हूं मैं। 2003 में मेरे को हार्ट अटैक आया, तो उसमें चेक किए तो डॉक्टर लोग बताया कि आपका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, 40% से 90% 99% तक के। तो मैं डर गया, फिर भगवान ये सुना था कि ऑपरेशन होता है करके, तो मैं भगवान से मनाया कि मेरा ऑपरेशन ना हो और मेरा ठीक हो जाऊं। तो उन लोगों ने डॉक्टर पैनल ने बताया कि आपको ऑपरेशन नहीं करना है, करवाना है आपको, ज़िंदगी भर दवाई खाते रहना है। और मैं ज़िंदगी भर दवाई खाते रहा, पर मेरे को असर जो दूसरी बीमारी जो है 2014 में हुआ, तो वो अल्सर्टिक कोलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी बहुत परेशान था मैं। मेरे को बार बार दस्त आता था, कमोड़ से उठ भी नहीं पाता था, फिर लग जाता था। तो वो डॉक्टर बोला कि आपको आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी, आप दवाई नहीं खाओगे, परहेज नहीं करोगे तो आपका आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी और आप बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। तो फिर उस डॉक्टर को मैं किया और फिर उसको मैं पता चला कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोलंकी हैं, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी रायपुर, तो वहाँ गया। तो वहाँ से उन्होंने जो भी किया वो मेरा फायदा होना शुरू हुआ। उस समय मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आ चुका था, तब से मुझे सब फायदा करने लगा और मैं अब पहले से बेहतर हूँ और मेरे में सांसारिक जो बुराइयाँ थी सब वो भी ख़त्म हो गई। जो भी मैं बताया पहले, जो भी नशा करता था, ये करता था, नान भेज खाता था, सब छूट गया मेरे से। सर, ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था, रायपुर में जो मेरा ट्रीटमेंट मिला उसका रिपोर्ट है ये।
सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी थी और भी काफी बीमारियां थी आपको, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बीमारियां ठीक हुई? हाँ सर, मैं 24 जनवरी को नाम दीक्षा लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज से और 29 जनवरी को मैं उनके पास गया, डॉक्टर सोलंकी के पास, रायपुर वाले के पास। तो उन्होंने मेरा कोलोनोस्कोपी किया तो कोलोनोस्कोपी से पता चला कि आपका बहुत सीवियर हो गई बीमारी और फैलते जा रही है। तो मैं उनको ये भी बताया कि सर मेरे को ऊपर भी प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने एंडोस्कोपी किया मेरे गले का और गले में पता चला उनको कि आपका वो जो बीमारी है फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है और आपके सूजन भी हो गए हैं भोजन नली में और संकुचित हो गया, इसलिए आपको खाने पीने में भी तकलीफ होती है। तो उन्होंने उसको भी ठीक किया। फिर मेरे को ये चमत्कार जो लगता है मेरे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का ही लगता है, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत परेशान रहता था, उनके कारण ही मैं ठीक हो पाया। मैं इतना भावुक हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं उनको उपकार कैसे भूलूँ मेरे सदगुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज का। तो उसके बाद ये क्रोनोस्कोपी से ये पता चला। फिर ऊपर के प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला कि आपको एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, तो इधर गले का छाती का एंडोस्कोपी किए उन्होंने, तो पता चला कि आपका तो बहुत भयंकर फैल गया बीमारी और ऊपर भी आपको खाने में तकलीफ होती होगी। उन्होंने बहुत सही पता लगाया। तब ये सब चमत्कार मेरे को परमात्मा का ही लगता है, सदगुरु रामपाल जी का मर लगता है। मैं बीमारियों से इतना परेशान था, हार्ट की बीमारी इतनी सारी खाता था और अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी खाता था, तो भी मेरे को फायदा नहीं होता था। फिर मैं परमात्मा से अरदास लगाया, हे परमात्मा आप सब कुछ ठीक करते हो, मेरी भी बीमारी सब दूर कर दो। तब से मेरे को दवाई में भी फायदा लगा और मेरे को बहुत राहत मिली। संत रामपाल जी की दया से मैं स्वस्थ हूँ, पहले बोल भी नहीं पाता था, अब तो बोल भी पाता हूँ। रायपुर गया तो डॉक्टर क्लोनोस्कोपी किया और वो ये देख के डर गए कि इतना भयंकर मैं लाइफ में अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं देखा हूँ, आपका बहुत सीवियर है। तो वो मेरे को तो ओरली बताया और मेरे डॉक्टर के पास मेरे साथ मेरा लड़का दिनेश गया था, उसको दिखाया तो वो भी देख के डर गया। फिर बोले, मैं उनको बोला सर मेरे को ऊपर में ही प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने मेरे गले का भी एंडोस्कोपी किया, तो वो बोले आपकी ये बीमारी ऊपर तक फैल गई है और आपकी संकुचित हो गई है भोजन नली, इसके कारण आपको खाने पीने में परेशानी होती होगी, बोलने में भी परेशानी होती होगी। उनकी बात सही निकली। फिर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास किया, प्रार्थना किया, तो उन्होंने मेरे को सब बोलने लायक भी कर दिया, खाने लायक भी कर दिया और मैं अब पहले से स्वस्थ महसूस करता हूँ। उनके प्रार्थना से ही मेरी बीमारी ठीक हुई। ये मेरा एंडोस्कोपी किए जो कि उसके खराबी जो है गले की पता चलती है, तो छाते और गला में उनको पता चला और वो बोले आपकी ये बीमारी फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है और आपकी भोजन नली बहुत ज़्यादा संकुचित हो गई है और ये मेरा एंडोस्कोपी रिपोर्ट है। अब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करता हूँ और मैं सांसारिक कामों में भी कर सकता हूँ। हालांकि मेरे को शिथिलता है, फिर भी पहले मैं इतना निर्बल हो गया था कि कुछ भी चल नहीं सकता था, न बोल नहीं सकता था, न ड्राइव कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। पर अब उनके संत रामपाल गुरु महाराज की कृपा से मेरे को अब सब करने की हिम्मत उन्होंने दी, मेरे को सामर्थ्य उन्होंने दिया है। सर, आप इनकम टैक्स विभाग में एक ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं और डॉक्टर्स ने आपको बताया कि जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है ये बहुत ज्यादा हो गई है, तो जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में लोग कैसे इन बातों पर विश्वास करेंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? जी, इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो भी सांसारिक बीमारी, लाइलाज बीमारी भी उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, संत रामपाल गुरु जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है, जो नाम देते हैं, नाम मतलब मूल मंत्र देते हैं जो परमात्मा कबीर जी का, और उसी नामों में इतनी शक्ति है कि वो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में थे, ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले भी नाम देते हैं, उनके नाम से तो आपकी बीमारियां ठीक नहीं हुई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई, क्या कारण है सर? जी, उन लोग नाम नहीं देते, उन लोग सिर्फ ब्रह्मा को ही मानते हैं,
ब्रह्मा ये सब है और शिव बाबा को मेन मानते हैं, मेन भगवान मानते हैं, पर वो लोग उनको मुरली बोलते हैं, उनकी जो भी शिक्षा है और वो जो बताते हैं वो भी प्रेत बाधा ही लगती है मेरे को, क्योंकि जो उनका प्रमुख है श्री ब्रह्मा कुमारी का, वो उसमें प्रेत आता है और वो जो बोलता है वही इन लोग सब संसार को बताते हैं, पर वो नाम नहीं देते एक्चुअल, वो भी भटक रहे हैं, वो भी दूसरे भगवानों को मान रहे हैं जो कि असली परमात्मा कबीर जी वहाँ हैं, उनका नहीं है ज्ञान, उनका ब्रह्म को ही मेन मानते हैं और शिव बाबा को मानते हैं, इसलिए इसमें फ़र्क है। और ये यथार्थ असली सच्चा ज्ञान ये परमात्मा कबीर जी का है, जो कि उसी मतलब मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं कबीर जी, वही बताते हैं, वही से बहुत पूरी शक्ति है और पूरे विश्व में वो सबको अपने परमात्मा को सबको ठीक करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप कबीर परमात्मा को मानते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में संत कबीर जी संत रूप में विश्वविख्यात प्रसिद्ध हुए, आप कबीर साहब जी को परमात्मा कैसे कह सकते हैं? मैं भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सुन के ही, क्योंकि वो वेदों से गीता से जितने भी सदग्रंथों से है वो खोल खोल कर बताते हैं कि ये देखिए यहाँ प्रमाण, और 600 पहले कबीर परमात्मा खुद आए थे और उनकी बातों में भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि आजकल के पंडित लोग जो नकली गुरु हैं वो सब काल के भेजे हुए हैं और उनका ज्ञान अधूरा ज्ञान है, भ्रमित ज्ञान है, उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण होगा तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के वचनों से होगा, उनके शरण में जाने से, उनके नाम लेने से ही होगा, उसका और कोई इलाज नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों से सिद्ध किया कि कबीर साहब ही भगवान हैं, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इसी आधार पे मैं परमात्मा का संदेश तो क्या देता हूँ, मैं अपने सदगुरु जी की तरफ से उनका जो संदेश ये बोलते हैं जो कृपा बरसी है बरस रही है, वो साक्षात कबीर जी मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं और जिनको ये भोली आत्मा विश्वास नहीं करती और उसके शरण में जाने के लिए हिचकती है, जब ये उनको यही समझ के आएंगे तभी सब आत्माओं का कल्याण होगा। जो मानव रूप में आए हैं तो उनका कल्याण सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से ही और उनके नाम दीक्षा लेने से ही होगा कल्याण। ये आत्मकल्याण करना ही मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है, ये भी वो बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, उनका जो सत्संग आता है टीवी पे, उसमें नीचे पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिए रहते हैं, उस नंबर पे आप फोन करके आप अपना नाम पता वगैरह दें तो आपको उनका क्या है जगह जगह हर जगह नामदान केंद्र खुला हुआ है, तो आप तो अभी जितने भी नाम लेना चाहते हैं गुरु जी रामपाल जी महाराज से ले सकते हैं और अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।